गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ बाड़े में, हमारे बाड़े में, और हम वहाँ देखिए क्या बनाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे इस व्लॉग के माध्यम से। हालांकि काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, सर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है गाँव में, फिलहाल शहरों में तो लगती नहीं है, क्योंकि शहरों का अनुभव भी मैं आपको साझा कर सकता हूँ क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ तो, और गाँव का भी आपको कर सकता हूँ शेयर क्योंकि मैं गाँव में भी रहता हूँ। तो हालांकि इधर उधर घूमता रहता हूँ तो पता रहता है कि मतलब कितनी ठंड पड़ रही है। तो हम वहाँ जा रहे हैं, हम बाड़े के अंदर ऊपर देखिए जो हमारे भैंस है, गाय भैंस वगैरह, उनके लिए हम वहाँ कैसे मतलब छाँव करते हैं, छाया समझ रहे हैं आप, छपरा बनाएंगे वहाँ पे, अगर मारवाड़ी भाषा में बोले तो छपरा हम बनाने वाले हैं, डांडा का वास्तानी समझ भाई। तो आपको दिखाते हैं हम इस व्लॉग के माध्यम से, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर। कि मैं बाड़े में आ चुका हूँ, ये हमारी भैंस मम्मी, हालांकि इनको पानी पिला के लेके आते हैं हम, मम्मी जा रही है इनको पानी पिलाने। देखिए वो बांस है ना, देखिए किधर जा रही है, भाग गई वो। फाइनली मैं आ चुका हूँ हमारे बाड़े में, तो मैं आपको दिखाता हूँ अब अंदर का दृश्य, हमारा बैल रड्डी। पर देखिए ये वाली थोबली मैंने लगा दी है ऊपर की तरफ, ये बांस, ये देखिए बांस लगा के और नीचे पाइप खड्ढा खोद के पाइप को गाड़ दिया अंदर की तरफ, और यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ भी हम ऐसे बांस लगाने वाले हैं, और फिर हमारा छपरा बन के रेडी हो जाएगा। और ये हमारे जो गाय भैंस है, और रात के टाइम यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। रेडी आ चुकी है देखिए, कैसे मम्मी पापा बांस बांध रहे हैं, विशाल आर्किटेक्चर के द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है हमारे बाड़े में। हमारे लिए तो विशाल आर्किटेक्चर ही है क्योंकि हम घर वाले इसको बना रहे हैं। तो देखिए अभी बांस को ऊपर लगाया है, अब इनको बांधना भी है। हालांकि यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ एक एक बांस, इस तरफ भी हम ऊपर लगाने वाले हैं। फिलहाल हमारा जो काती है वो बांध रहा है, देखिए अभी शाम तक बन के रेडी होगा, आज हो जाएगा तो हो जाएगा, बाकी कल होगा। फिर ऊपर भी इसके ऊपर इसको ढकने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं कहाँ पे बैठा हूँ, कुटिया में, राम कुटिया में बैठा हूँ। देखिए गर्मी हो गई काफ़ी ज़्यादा, राम जी की कुटिया में काफ़ी अच्छा लग रहा है बैठ के। उसे देखिए आप, हमारा विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होकर रेडी होने वाला है। हालांकि अभी बांस और डाले जा रहे हैं ऊपर, बस काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ खाना खाने घर पे। काम चल रहा कब से, थक गया थोड़ा, परेशान हो गया, तो भूख भी लगने लग गई है, तो मैं जाता हूँ खाना खाने, फिर वापस आना पड़ेगा। मैं बैठा हूँ राम कुटिया में। फाइनली गाइज मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ शादी के अंदर, तो फिलहाल बाड़े के अंदर काम चल रहा है, आज नहीं हो पाया कल हो जाएगा। हालांकि हमारे से मैंने आपको दिखाया था हमारे बाड़े के अंदर कितना विशाल आर्किटेक्चर के द्वारा हम तैयार कर रहे हैं। हमारे लिए तो विशाल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम घर वाले ही उसे तैयार कर रहे हैं, तो विशाल ही हो गया, क्योंकि बाकी आप किसी को बुला के करते हैं तो वो अलग चीज़ होती है। हालांकि हम घर वाले कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा ये काम है, तो कल हो जाएगा काम हमारा ये बढ़ेगा, और फिर बाद में आराम से हमारे जो भैंस वगैरह है वो आराम से नाइट में वहाँ आराम से रह सके, आराम से सर्दी वगैरह नहीं लगे उनको, तो क्योंकि हमको भी सर्दी लगती है तो हम भी ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ते हैं, तो फिर उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो उनके लिए हमने वो कर दिया है व्यवस्था, तो मैंने आपको दिखा दिया। वैसे लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आने वाला जो वीडियो होता है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक यू गाइस, बना रहिए हमारे साथ ऐसे ही।